देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम नेबार से, है ना। नेबार सबका बन चुका था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसका नेबार नहीं बना है वो देख लेना, है ना। ओपन फोल्डर किया, तो हमने लिखा HTML, सबको मैंने सिखा दिया था ना, एक्सटर्नल CSS लगाना था ना, तो अब एक्सटर्नल CSS के आप लोग यूज करना, तो एक्सटर्नल CSS का ही आप लोग यूज करना, है ना। अब बहुत सारी CSS हो जाएगी ना हमारे पास, और मैं CSS के अंदर जाके एक बनाता हूँ फाइल, food dot css, और यहां पे आता हूं सिंपल। पहले में क्या बनाना है, नेम बार। अब देखो ये नेम बार है, ये देखना ना नेम बार है ना, क्योंकि इसके अंदर ही लोगो है, इसके अंदर मीनू है। तो मैं सिंपल लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है ना, लिख सकते हैं ऐसा सब लोग। प्रोजेक्ट के अंदर क्लास बनाई मैंने लोगो नाम की, अगर मुझे इस पर कुछ काम करना पड़े तो। और फिर हाँ, रिकॉर्डिंग चालू कर दी भाई। अच्छा है कि साथ में कोडिंग करो, रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहे, साथ में सब कोडिंग करें मेरे। इतना कर लिया, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबको सिखा चुका हूँ, इमेज SRC, और फिर इमेज के अंदर, और यहाँ पे इमेज होगा शायद लोगों का, ये है देखो, ये logo1.png, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंकर टैग लगाते हैं ना, अभी और सिखाऊंगा मीनू और कैसे आते हैं और यूज करके। कितने बने हैं, पांच ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेम बार बन गया, ठीक है, नेम बार एंड कर देते हैं यहाँ पे, बस जरूरत नहीं, वैसे लिखा हुआ है तो कहाँ चलना होगा, सबको पता है CSS में, ये तो आपने काम कर रखा है ना सामने, मार्जिन 0, हेडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फिर डॉट सिंपल नेव, अंदर मैं बैकग्राउंड अभी कर देता हूँ, कौन सा कोई कोई कुछ भी कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए ना, ब्रेथ कर देता हूँ 100%, हाइट सेट कर देता हूँ इसकी 60 पिक्सल, ठीक है। और चेक करते हैं क्या बना था हमारा, मेरा तो इनका इतना ज्यादा है कि हमारा कम है, हमारा इनका ज्यादा है ना, और 70 कर लेता हूँ, ठीक है, बराबर हो गया। हम कलर बाद में चेंज कर लेंगे, है ना। तो अब क्या करना है, सबको पता है ना, बताए आप लोग क्या करना है, नीचे इसके नीचे क्या करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्ट वे कंटेंट स्पेस बिटवीन, है ना, और क्या करना होता है, अलाइन आइटम सेंटर, और पहले इमेज छोटी कर लें थोड़ी, है ना, ये सबको पता है ना चीजें, और इमेज छोटी कर लेते हैं थोड़ी, क्या है लोगो के अंदर, लोगो के अंदर IMG, ब्रेथ 40 पिक्सल रखते हैं इमेज। अब देखो यहां पे, देखो यहाँ क्या अच्छा रहता है, स्पेक्ट एलिमेंट करना, है ना। अब मैं कैसे कम ज्यादा कर लूंगा ये पता ही नहीं चल रहा है, सबसे बेस्ट है स्पेक्ट एलिमेंट कर लो। जितनी रखनी है मुझे, कितना है, कभी छोटा ही है हमारा, थोड़ा बड़ा कर ली, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 17 156 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, तो इससे ठीक हो जाएगा। अब मीनू पे काम कर लेते हैं, सबको पता है ना मीनू पे काम कैसे करते हैं, क्यों सब लोग, डॉट मीनू के अंदर ए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट
एक्स डेकोरेशन डन, कलर वाइट कर देते हैं, बाद में कलर चेंज कर देंगे, थोड़े फॉन्ट साइज बड़े कर देते हैं, 18 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा मार्जिन 0 और 5 दे दें, ऐसे कुछ देना होता है ना सर, आप लोगों को पता होगा, मुझे तो भूल गया, तो ठीक है, तो इतना बन गया। इतने में किसी को कन्फ्यूजन कोई, जो हमने ये काम किया साइलो करके आए पहले से, है ना, तो अब मुझे थोड़ा दोनों साइड से गैपिंग करनी है, तो फिर पैडिंग लगा देते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर ही पैडिंग जितना वो चाह रहे हैं और दे दो 60 दे दो, चलो ठीक है, इतना पार्ट रेडी हो गया। अब मैं इसके नीचे लगा देता हूँ इमेज, फिर कलर चेंज कर दूंगा, इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोड दे दूंगा तो नोट करने की कोई नीड नहीं इतनी भी, है ना, ग्रुप में वही आप बना चुके हो पार्टी वाला, ये वाला पार्ट आप बना चुके हैं सब लोग इसीलिए, है ना। तो अब मैं इसी के नीचे ले लेता हूँ सिंपल एक डिप के अंदर क्लास एक बैनर नाम की, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, क्या लगा रहा हूँ एक सब लोग बैकग्राउंड इमेज एंड, ठीक है, इसको यहां से कॉपी करूंगा। ये काम मैंने कौन सा किया था, मैं लिख लेता हूं स्टार स्लैश लगा के स्टार नेम बार पीएसएस, ये थोड़ा सही रहता है, देखो इससे क्या दिखता है कि आप क्या काम कर रहे हो। यहां से बैनर सीएसएस ऐसे, है ना, थोड़ा अच्छा फील आता है देखने में, कहा कि भाई इसकी सीएसएस ये इसकी सीएसएस चल रही है, ऐसे आप लोग भी किया करो। तो लिखा मैं डॉट बैनर, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये वाली इमेज लगाने वाला हूँ बैकग्राउंड पे, ठीक है, ये वाली इमेज बैकग्राउंड पे, और फिर उस पर कंटेंट लिखूंगा। मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, एक बैकग्राउंड में इमेज लगा के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, और एक इमेज SRC में इमेज लगाएंगे उसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। अभी तो बैकग्राउंड वाली इमेज देखते हैं, बैकग्राउंड URL ऐसे लगाते हैं URL। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर सीखना, थोड़ा काम वाली इमेज है इसमें, आइए चलो मिल गई इमेज, तो लिखा मैंने बैनर डॉट JPG, ठीक है, और मैं अभी विड्थ सेट कर देता हूँ इसकी 100% और हाइट सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल भी कुछ, तो देखते हैं कि इमेज आई कि नहीं आई, देखो यहाँ पर देखो इमेज कहीं आई नहीं दिख रही ना किसी को इमेज। अब अगर मैं यही मैं कोड यहां से कट करके यहां से कट किया, समझ लेना आप लोग, है ना, और यहां पे आता हूं लगाता हूं स्टाइल, ये पेस्ट कर दिया, देखते हैं अब आती कि नहीं आती है, देखो अब आ गई, ऐसा क्या यहां आ गई वहां नहीं आई समझ रहे हो, यहां कैसे आ गई जानते हो, क्योंकि यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे कह रहा हूं URL में क्या कह रहा हूं कि भाई इमेज फोल्डर में जाओ क्या कह रहा हूं उससे, इमेज फोल्डर में जाओ आपको बैनर नाम की इमेज मिलेगी, तो इसको ये दिख रहा है इमेज फोल्डर यहाँ पे, है ना, ये दिख रहा है ऊपर देखो इमेज फोल्डर, इसके अंदर इसको इमेज मिल गई, ठीक है डायरेक्ट। अब यही काम मैं जब यहाँ से कट करता हूँ और सेव करके जब यहाँ पे आके यहाँ पेस्ट करता हूँ, अब मैं इससे क्या कह रहा हूँ, अभी वही क्वेश्चन है मेरा, इमेज फोल्डर में जाओ, तो अभी मैं किस फोल्डर के अंदर हूं, सब लोग CSS वाले फोल्डर के अंदर, है ना, तो अब जो इमेज वाला फोल्डर वो किसके अंदर ढूंढ रहा है बताओ सब लोग, CSS के अंदर ढूंढ रहा है ना, क्यों सब लोग, जो इमेज वाला फोल्डर है वो कहां ढूंढ रहा है इस CSS वाले वो है ही नहीं और है कहां पर CSS के बाहर है ना, इमेज वाला फोल्डर है वो CSS फोल्डर के बाहर है, और हमने जो पाथ दिया है सॉरी वो ये दिया है, अब वो कहां ढूंढ रहा है वेर, देखो मैं आपको दिखाता भी हूं, ऐसा नहीं है, मैं सेव करता हूं और राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं,
स्पेक्ट एलिमेंट करना आप सब सीख गए हैं कि अभी भी नहीं कर पा रहे आप लोग स्पेक्ट एलिमेंट? वो बहुत जरूरी है स्पेक्ट एलिमेंट। हाँ वही मैन है, अभी तो इतना सीख रहे हो। जावास्क्रिप्ट में कंसोल सीखोगे, जब बैकएंड पे काम करोगे तो नेटवर्क सीखोगे, परफॉर्मेंस सीखोगे, बताया था ना मैंने, एप्लीकेशन सीखोगे, ये सारे हमारे लिए बने हुए हैं, है ना? तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और आप देखो पाथ क्या आएगा। राइट क्लिक किया, ओपन, कहाँ गया, न्यू लिंक, कॉपी एड्रेस। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, कॉपी एड्रेस देखो सब लोग, ये मैं कॉपी करके यहाँ आता हूँ कोड में, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो क्या दिखा रहा है ये, CSS के अंदर ढूंढ रहा है इमेज को, फोल्डर को, है ना, ढूंढ रहा है सब लोग, देखो पाथ में आ रहा है ना, वो CSS के अंदर इमेज वाले फोल्डर ढूंढ रहा है, और जबकि इमेज वाला फोल्डर कहाँ बना हुआ है, CSS के फोल्डर के बाहर बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको बाहर लेके जाना होगा, मुझे इसको बाहर लेके आना होगा और इमेज वाले फोल्डर में पहुंचाना होगा, मतलब पाथ सही सेट नहीं है हमारा। तो उसके लिए हम यहाँ लगाते हैं डॉट डॉट स्लैश, लगाते हैं डॉट डॉट स्लैश, इससे क्या होगा, CSS के फोल्डर से बाहर निकल जाएगा, इमेज वाले फोल्डर में घुस के इमेज ढूंढ लेगा। आ रही बात समझ में? चलो, और एक CSS फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और होता तो फिर हम क्या लगाते, डॉट डॉट स्लैश। CSS फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और बना होता, उसके अंदर हमने CSS वाला काम किया होता, तो फिर हमें एक बार और लगाना पड़ता है डॉट डॉट स्लैश। तो पहला जला काम क्या काम करता, पहले वाले फोल्डर से बाहर निकलता, दूसरा वाला क्या काम करता, दूसरे वाले फोल्डर से बाहर निकलता, समझ आ रहा है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, ओके, डॉटर सेल्स लगाते जाओ, ठीक है। अब इस डॉटर सेल्स से क्या होगा, वो CSS के फोल्डर के बाहर निकल आएगा। अब पाथ दिखाता हूँ ना, अभी देखो पाथ, देखो आप तुरंत सामने देखो, पहले तो इमेज आ गई सामने आपके, और देखो पाथ, देखो देखो यही दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, देखो वेब डिजाइनिंग स्लैश इमेज स्लैश बैनर JPG, दिख रहा है पाथ आपको अपने आप, सब लोगों को। अब मांगे और अगर मैं ये जो फूड वाली CSS है ना, अगर मैं इसको किसी फोल्डर में एक फोल्डर बना लूं उसमें लगाऊं तो डॉटर स्लैश लगा, ठीक है। डॉटर स्लैश क्यों लगाते हैं, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना। कब, जब आप यहाँ काम कर रहे हो CSS के अंदर। अब यहाँ तो डायरेक्ट पहुंच रहे थे ना हम लोग, यहाँ जब थे तो डायरेक्ट पहुंच जाते थे हम, डायरेक्ट फटाक से, पॉइंट समझ आ गया ना, ठीक ना। डॉट डॉट क्यों लगाते हैं, तो अब मैं यहाँ से हटाता हूँ उसको, ये बंद। अब देखो इमेज थोड़ा मैं बड़ी कर लेता हूँ, सबको मैं दिखा सकूँ। अब देखो इमेज सही नहीं आ रही, आप देख सकते हो, है ना, जो रियल इमेज है ना, जो देखो रियल इमेज तो कैसी है और हमारी इमेज तो कैसी है, तो अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। थोड़ी जूम, बहुत ज़्यादा जूम होके आ गई क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है ना। तो पहले हम इस इमेज को करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर लेते हैं, सेंटर, जिससे सेंटर में थोड़ी आ जाए दोनों चीज़ें, तो सेंटर में आ गई और अब थोड़ी जूम ज़्यादा आ रही है। तो अब हम करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, सिखाया था ना जी आप लोगों को, बताया था क्या, होगी सेट एकदम प्रॉपर, दिख रहा है सबको प्रॉपर एकदम सेट, सब लोग प्रॉपर सेट है एकदम। अब मैं थोड़ी इसकी हाइट कम कर, ये काम कब करने हैं, जब आपको लगे नहीं यार मेरी इमेज थोड़ी सही सेट में नहीं हो रही है, तब ये वाला काम आपको करना है, ठीक है, तब ये वाला काम आपको करना होगा, जब आपको लगे नहीं यार मेरी इमेज सही सेट नहीं हो रही है, तब जो वाला काम करोगे। अब मैं ये हटा देता हूँ बैकग्राउंड, इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट, और इसका कलर, अब देखो मुझे ये वाला कलर करना है सेम, जो इनका ये कलर है ना, ये कलर मुझे चाहिए, ये वाला कलर, तो राइट क्लिक करेंगे, सिखाया था ना हम लोगों को कलर लेना भी। देखो जो हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं ना, वो सारी चीजें जुड़ती जाएंगी आगे एक करके। तो क्या लगते हैं हम लोग कलर, सबको पता होगा ना मुझे ये वाला कलर लेना है, बता चुका हूँ ना मैं, यहाँ पर कुछ भी कलर दूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, पेंसिल पे क्लिक करूंगा, और
यहां पे देखो ये कलर लेना है, ऐसे ले लूंगा, मिल गया, सबको पता होगा चाहिए तो। और यहाँ पे कलर कम गया, तो ये कलर ये डाल दिया, सेव कर दिया, बन के आ गया। कोई डाउट इतने में? सबने ये काम किया ना, बस नई चीज क्या हमारे पास आई, इमेज वाला। चलो इमेज वाला नोट करो आप लोग, यूपा का सबका हो रखा है ना, पहले से ही हो रखा है ना सबका, बताया था ना। तो नीचे वाला ये नोट करो, ये वाला इमेज वाला, ये वाला बनाओ, फिर और समझाता हूँ मैं। क्यों, तुमने जी तो टास्क दिया था ना घर के लिए करने के लिए, लो मैं जितना कराया मैं उतना गुरमत देता हूँ अभी। इतना मैंने करा दिया है, इतना ग्रुप में ले रहा हूँ है ना, फिर मैं इसके आगे समझाता हूँ। फिर होगा, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। मुझे हाई लिख के भेजना यदि, चलो तो बाकी लोग नोट कर रहे हैं, मुझे हाई लिख के दो। हाँ तो मुझे हाई लिख के भेजो, ग्रुप में तो बच्चे ऐसे ऐड हो जाते हैं, देख रहे कितने ग्रुप में ऐड है, 54, और बैच में कितने पढ़ रहे हैं, 24 बच्चे। चलो बाकी लोग नोट कर लें, बाकी लोग इतना चला के देख लो अपना, है ना, कोड दे रखा है मैंने, और जिसको पास है वो सिम पढ़ने चल जाए। तो ये जिसके पास है वो सिंपल ही डिप लिख ले, ठीक हो गया सबका। ना सबका चल गया होगा ना। अब देखो यहां पर सब लोग, अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट पे, देखो सब लोग, हाँ देखो सबको ये दिखा, लिखा हुआ ये देखो, नीचे चॉइस, ये इमेज है। अब पहले ये कंटेंट देखते हैं, ये कंटेंट है ना, ये कंटेंट लिखना है मुझे, तो मैंने ये कंटेंट कॉपी किया, देखो सब लोग है ना। अब इसके नीचे वाले पार्ट आप लोगों को बनाने हैं, इसलिए अभी देख लो अच्छे से है ना।
इसके अंदर आया, मैंने सिंपल लिखा एक H1 में ये कंटेंट पेस्ट कर दिया, और मैं एवरी को लगा देता हूँ, क्या है एवरी में लगा देता हूँ BR, ठीक है BR क्यों लगा दिया पता है ना, नीचे रखने के लिए। चेक करता हूँ, देखो ये कंटेंट आ रहा है सब लोग, ये कंटेंट। तो अब स्पेक्ट एलिमेंट ही करना पड़ेगा सेटलमेंट पूरा करने के। इसके दो तीन तरीके हैं, है ना, पहले सिंपल तरीका सीख रहे हैं जो अपन को अभी तक सीख चुके हैं, मतलब मैं जितना सिखाता हूँ उतने पहले काम करा लेता हूँ, फिर नया सिखाऊंगा फिर नया काम कराऊंगा, है ना। तो जो सिंपल तरीका हमें आता है अपन उसी को यूज करेंगे। तो पहले तो इसको वाइट कर लेते हैं H1 पे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लो पहले, तो कलर वाइट कर लो, फॉन्ट साइज बड़ा कर लो, इसको नीचे लेके आना है ना। तो अपन क्या करेंगे, लाइन हाइट, देखो अब देखो मार्जिन लगा देंगे, मार्जिन टॉप से नीचे लाते हैं, देखो नहीं आएगा ना, सब देख लो पूरा चल रहा है साथ साथ में, दिख रहा है आप लोगों को, तो मार्जिन पैडिंग तो काम ही नहीं करेगी क्योंकि तो पीछे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। तो फिर अपन इसके अंदर क्या लगाए ऐसा, तो एक तरीका होता है लाइन हाइट लगाने का, है ना, लाइन हाइट लाइन हाइट में क्या हो रहा है, इनके बीच में भी स्पेसिंग आ रही है, देखो दिख रहा है लाइन हाइट से क्या हो रहा है, इन दोनों बीच में देखो स्पेसिंग आती जा रही है ना। तो ये भी बेकार हो गया हमारे लिए, इसको भी हटा दो। अब बताओ क्या करें। और मुझे एक काम और करना है, मैं इसी में एक काम और ऐड कर रहा हूँ साथ में आप लोगों के लिए, मैंने इसमें एक बैकग्राउंड भी देना है पीछे, बैकग्राउंड ब्लू ये, और मुझे बैकग्राउंड सिर्फ इतने भी रखना है, इतने इतने भाई, ठीक है ना, पूरे पे आ रहा है जी, तो पूरे पे आ रहा है ना ये सब लोग, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरे पे आ, मुझे दो इतने इतने भी रखना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले एक क्लास लगाऊंगा अभी मैं, अगर मैं सिंपल विड्थ लगाता हूँ और अगर मैं कम करता हूँ, मैं करता हूँ 50 पिक्सल, देखो क्या हो रहा है, या परसेंट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 50%, तो ये चल रहा है कहानी, देखो मतलब एक साइड से कम बढ़ रहा है, देखो सबको दिख रहा है ना, ये कहानी चल रही है। अगर विड्थ कम करता हूँ तो मुझे इसको तो सेंटर में रखना है पहले तो, है ना, इसको तो मुझे सेंटर में ही रखना है, और इतने इतने में ब्लू कलर चले पूरी पट्टी पर नहीं चले। तो उसके लिए हम एक क्लास लगाते हैं मार्जिन ऑटो, पहले तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग, मार्जिन ऑटो। अब मैं बिट्स लगाऊंगा, देखो अब से मतलब फायदा क्या मिलेगा देखना भी आप, मैं करता हूं 100%, अब देखना मेरा दोनों साइड से कम होगा, देखो अब जैसे मैं कम करूंगा, देखो देखो कम हो रहा है दोनों साइड से, देख लो देखो हो गया कम दोनों साइड से, क्या लगाया मैंने, मार्जिन ऑटो, कहा था ना एक प्रॉपर्टी को सिखाऊंगा मैं चल के मार्जिन की, मार्जिन ऑटो, देखो ये हटा दूंगा ये बंद कर दूंगा तो एक साइड चला जाएगा, मार्जिन ऑटो से क्या रहा, सेंटर में रहा, और दोनों साइड से सेम इक्वल स्पेसिंग कर ली, देखो अब जितना आपको कम करना हो अपने अकॉर्डिंग, हमें इतनी तो कम करना था, ऐसी तो चाहिए थे मुझे सब लोग। अब अगर मैं अब इसके बाद करता हूं मार्जिन टॉप से, अब चल रहा है क्या, देखो सब लोग कोई पूरा संग चलेगा तो मार्जिन टॉप तो काम ही नहीं करेगा हमारा, है ना, पहले इतना कॉपी कर लेता हूं, इतनी बात तो समझ आई ना सब लोगों को, लो अरे कॉपी किया यहां पेस्ट कर देता हूं, मैं कर क्या रहा हूं H1 अंदर ये कॉपी करा मैंने यहाँ से, और यहाँ चल के पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें से इसे हटा देता हूँ, अच्छा ठीक है, और इतना पे देख लेते हैं, देखो
अब मुझे इसको बीचों बीच में रखना है। अब मैं मार्जिन लगा रहा हूं तो पंगा कर रहा है। पैडिंग से काम चल सकता है हमारा, बताओ चल सकता है पैडिंग से काम क्या? चलो ट्राई करें, पैडिंग पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। कहां चल रहा है वो बैकग्राउंड ले रहा है, कहां से पक गया? अगर बैकग्राउंड डाल तो हमारा काम चल जाएगा। देखो तो चल रहा, देखो है ना, तो चल जाएगा ना। अगर बैकग्राउंड नहीं लूंगा मैं तो चल रहा है आराम से। वहां क्लाइंट ने बोला कि भाई बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो पेंडिंग भी फेल हो गई, मार्जिन भी फेल हो गया। अब क्या बचता है बताएगा? अब क्या करें, क्योंकि अगर मार्जिन लगा रहा हूं, पेडिंग लगा रहा हूं, लाइन हाइट लगा रहा हूं, तो वो बैकग्राउंड ऊपर से चल रहा है साथ में, और मैं चाहता हूं ये किसी से चिपके नहीं, बीच बीच में आ जाए। हमें ये करना है काम, मेन तो ये तो काम करना है मेन। अब तू बताएगा क्या किया जाए? कोई है बताने वाला बैच में? कोई बताएगा बैच में क्या करना है? चलो तो आप लोगों ने चेस खेला कभी? शतरंज सबने शतरंज आप लोग खेलते होंगे, बड़े शौकीन हो, मुझे तो नहीं आता खेलना इतना। तो शतरंज में ऐसा कौन होता है जो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है? अब घोड़ा होता है, घोड़ा वजीर होता है ना, हाँ वजीर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है ना, सबको पता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको बनाना पड़ेगा वजीर, जो हमारा ये है, ये ना ये पूरा, इसको बनाना होगा वजीर, फिर तुझे कहीं भी चला जाएगा ना, नीचे खिसक जाएगा कहीं भी, है ना। तो ये वजीर बनेगा किससे, है ना, इसको देनी पड़ेगी ना पदवी वजीर की। हमें क्या करना होगा, इसका सम्मान करना होगा, इसको पदवी देना पड़ेगी का वजीर हो। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है पोजिशन। क्या यूज करना होता है? पोजिशन। पोजिशन की प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टिकी, है ना। तो अभी हम इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूं वजीर बनाने के लिए, क्या? पोजीशन रिलेटिव। जैसे मैं लिखा पोजीशन रिलेटिव, अब ये क्या बन गया? वजीर बन गया। अब मैं जैसे चाहूं तैसे इसको खिसका सकता हूं, है ना। तो मैं थोड़ी बहुत इसकी विड्थ कम कर दूं। अब देखो ऊपर से नीचे देखा ना, तो पोजीशन के साथ में क्या चलता है? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, क्या चलेगा? टॉप, एंटर दिया, कहां चला गया? टॉप से जीरो किया मैंने, जीरो पिक्सल। अब देखो दिख रहा है, अलग हो गया उससे, दिख रहा है सबको? पहले हमने क्या किया, इसको वजीर बनाया और फिर टॉप से नीचे खिसकाया। तो अब वजीर है ना, अपने लोग आता कि वजीर कहीं भी चल सकता है बिना किसी टच किए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 50% कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कहाँ चला गया, देखो अपना बीच में आ गया है ना, अपने आप सेट हो जाएगा जैसा आपको ऊपर नीचे सेट करना हो, जैसा आपको सेट करना हो वैसा आप सेट कर सकते हो। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पोजीशन रिलेटिव, समझ आ गया ना, और टॉप से 50% या 50-30 जो आपको करना हो। और ऐसे इसमें और भी होते हैं, लेफ्ट होता है, लेफ्ट लगा लो, राइट बॉटम, है ना, समझ आ गया। अभी धीमे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे चल के इसको अपन, अभी पोजीशन को अभी डिटेल में देखेंगे अपन। तो ये पार्ट हमारा इतना रेडी हो गया, देखो। और मैं थोड़ा यहाँ पे विड्थ कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतनी कहानी समझ आई आप लोगों को? देखो आपने ये सीख बोला था कि सर हम वेब पे सीखने हैं, और देखो वही मना रहे हैं धीमे धीमे, सब लोग देख सकते हैं। इतना पार्ट क्लियर हुआ? चलो आप लोग हाँ बताओ तो? तो वो तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव में तो ऊपर जाएगा ना, नीचे कहां से आएगा? नेगेटिव देखो तुम्हारे सामने आते हैं, ये बंद कर देते हैं।
किसके? हाँ तो वही तो बताओ ना, पूछते ना, बताओ किसे करें, बताओ बताओ क्या लगा है? तो नेगेटिव लगाता हूँ, चलो मार्जिन के 20 पिक्सल। नेगेटिव में कहाँ जा रहा, नेगेटिव में तो ऊपर जाएगा ना। हाँ क्यों भाई, तो भाई डिप की बात क्यों लेना, हमने तो ये बैकग्राउंड लगाई ना इमेज। हाँ तो अब समझ में आ गया ना। हाँ, तो ये इस तरीके से यूज करना ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था कि ये एक इमेज है और इस इमेज के ऊपर कंटेंट है ना। तो इमेज पीछे है, कंटेंट इसके ऊपर है ना। तो हमने ये तो किया, एक डिप बनाया, डिप के अंदर एक बैनर नाम की क्लास बनाई। इस बैनर वाली क्लास पे हमने क्या किया, क्या किया यहाँ पे, उस पर एक इमेज लगाई है ना। तो ये इमेज लगी बैकग्राउंड में, अब मुझे इसके ऊपर कंटेंट लिखना था, तो फिर मैंने क्या लगाया, बैनर के अंदर एक एच1 लगा। लिखना तो ऐसे ही होगा ना तरीके से, समझा? तो भाई मेरा कहाँ चल रहा, तुम्हारे सामने तो मैं कर रहा हूँ, तो तुम बताओ ना कहाँ करूँ, बताओ मेरा क्यों नहीं हो रहा अब। अरे तो इसमें बताओ ना, इसमें बताओ ना, इसमें क्यों नहीं हो रहा नीचे, मेरे बताओ ना, तुम्हारा तुमने किया ना, तो मुझे बताओ, मैं वही तो कर रहा हूँ, बताओ कैसे करना। आप अपने कोड था, मैं वही करते जा रहा हूँ, देखो भाई बता। तो भाई तो मैं पूछ रहा हूँ तीसरे से, मैंने तुम्हारे सामने मार्जिन चलाया, पैडिंग चलाया, लाइन हेड चलाया, कहीं कुछ चला, तभी तो अपन ब्रह्मास्त्र पे आए। कोड तो देखो पहले कहाँ चल रहा, क्या लिख रहे हो आप लोग। नहीं, हमें लिखना तो ऐसे ही ना, देखो बैकग्राउंड में देखो हाँ, कोई वो भी तुम्हारा सही है, मगर हमें देखो, मैं यहाँ पे दिख रहा था ना कि हमें बैकग्राउंड लगाना है, इसलिए ना बैकग्राउंड लगाया। और आगे चल के हम ऐसे भी लगाना होगा ना, तो वो भी सिखाऊंगा भी, ये इमेज SRC से भी करना होगा, वो भी सिखाएंगे, मगर वो भी ऐसे नहीं होगा कि आप इमेज को इसके नीचे लगा दो, ये तरीका नहीं है कोड करने का कि ऐसे लगा दो इमेज के नीचे, ये नहीं करना है। कोई डिव के अंदर सारा काम होगा ना, क्योंकि ये हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पार्ट है ना, देखो दिख रहा है ना, देखो ये पार्ट है पूरा ये, तो इसलिए मैं इसको डिप के अंदर रखा है, ठीक है। हाँ भाई साहब किसका था वो, कह रहा मेरा हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे किया क्या आपने, जल्दी बताओ। हाँ तो चलो, हाँ चलो दिखाओ भाई, तो फिर मेरा क्यों नहीं चल रहा भाई। हाँ तो चलो दिखाओ दिखाओ, चलो दिखाओ दिखाओ, हाँ स्क्रीन से करो दिखाओ, शायद मेरा ना चल रहा हो, तुम्हारा चल जाए, कुछ चेक हो जाए, इससे कंफर्म कुछ हो जाए। हाँ